वेलकम टू फैमिली डिसीजन मोर। मैं ललिता मनु। आज हम साउथ स्टाइल रसम बनाने जा रहे हैं, जिसे हम कोई दाल का उपयोग नहीं करेंगे और ना ही कोई रसम पाउडर का यूज करेंगे, फिर भी ये बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। रसम बनाने के लिए मैंने 3 टमाटर लिए है, ये देसी वाले टमाटर है जो की खट्टे आते हैं। आधा नींबू जितनी इमली ली है, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ लहसुन लिया है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। 2 लाल साबुत लाल मिर्ची ली है, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हींग, राई 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्ची पाउडर, और ऑयल चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम टमाटर का जो ऊपर का भाग है उसे निकाल कर इस तरह से उसे कट्स लगा देंगे। अब हम इसमें 1 ग्लास इतना पानी डालेंगे और गैस ऑन कर 7 से 8 मिनट तक हम इसे उबालेंगे, जब तक कि हमारे टमाटर थोड़े गल ना जाए। 10 मिनट हो गए हैं, हमारे टमाटर अच्छे से उबल गए हैं। अब हम गैस बंद कर लेते हैं और इसमें इमली डालकर 5 मिनट ठंडा होने देते हैं, जब तक हमारी इमली भी इसमें गल जाएगी। हमारा टमाटर और इमली का जो पल्प था वो भीग कर रेडी हो गया। अब हम इसे अच्छे से हाथ से मत लेते हैं, आप चाहो तो हैंड ब्लेंडर से भी इसे क्रश कर सकते हो। हमने इसे अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसे ऐसे हाथ से छान लेते हैं, अगर कुछ मोटा मोटा रहे तो वो निकाल देना है, नॉर्मली चलता है। बहुत ज्यादा मोटा जो है उसे निकाल देना है, हमें स्ट्रेनर से करने की जरूरत नहीं है। हाथ से इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा इस तरह से रहे तो निकाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 ग्लास जितना पानी डालेंगे, एक पैन लेंगे उसमें 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। अब हम जो टमाटर का रस बना के रखा था, टमाटर और इमली का, इसमें हींग डालेंगे, हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, क्रश किया हुआ गार्लिक डालेंगे। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। इसे एक बार हिला देंगे। अब हमने जो तड़के पैन में ऑयल डाला था, हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसमें राई और जीरा डालेंगे। साबुत लाल मिर्ची को इस तरह से तोड़कर डालेंगे। सात से आठ पत्ते करी पत्ता डालेंगे। और इस तड़के को अब हम इस रसम में डालेंगे। अब हम इसे गैस पर रखकर अच्छे से उबल आने तक हम इसे उबालेंगे। सब में अच्छे से उबाल आ गए। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। ये हमने बिना रसम पाउडर और कोई तरह का पाउडर यूज नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। हमारा लसन बनकर रेडी है। मैंने इसे चावल के साथ में सर्व किया है और साथ में पापड़ रखा है और चावल को घी के साथ में सर्व किया है।